जय हिंद दोस्तों। लार्ज कैप स्टॉक जो 64 नंबर पर रैंक्ड है मदर्स एंड सुमी सिस्टम, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे और लेवल्स जानने की कोशिश करेंगे। और कंपनी करती क्या है अगर उसे हम देखें तो कंपनी जो है ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। हम नंबर्स को चेक करेंगे फंडामेंटली, और साथ ही मैं बता दूँ लंबी अवधि का नज़रिया है तो ये स्टॉक जो है आपको लंबी अवधि में बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकता है। एंड आज जो हम एनालिसिस करने वाले हैं उसमें हम चेक करेंगे कि अगर ट्रेडिंग करते हैं तो लेवल्स ऊपर और नीचे की तरफ कौन से इंपॉर्टेंट है। मार्केट कैप अराउंड 67,800 करोड़, स्टॉक की पीई 126, 52 वीक लो 72 एंड 52 वीक हाई 238। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर चेक करेंगे क्योंकि हमें ट्रेड करना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले 4-5 क्वार्टर का देख लेते हैं। अराउंड जून 2020 में -621 था, वो हमें पता है जून 2020 के नंबर्स नेगेटिव क्यों थे। फिर बड़ा उछाल आया लगभग 1400 करोड़ के आसपास, फिर और इम्प्रूवमेंट 1800 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस था, फिर आपने 640 का पॉजिटिव नंबर आया, फिर अराउंड 1160 करोड़। नेट प्रॉफिट 810 नेगेटिव, फिर पॉजिटिविटी 340 के आसपास, फिर ऑलमोस्ट डबल के आसपास, डबल से ज़्यादा अराउंड 800 करोड़। ईपीएस नेगेटिव था, फिर इम्प्रूवमेंट हुआ 1.07, फिर 2.53। बैलेंस शीट में कर्ज कितना है, कर्ज देखने मिल रहा है दैट इज अराउंड 14,000, जी हाँ 14,000, और मार्केट कैप है 67,000। तो 67,000 के मार्केट कैप के मुकाबले सिर्फ 14,000 करोड़ का कर्ज, और सामने कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, तगड़े से पहाड़ जितना मजबूत पड़ा एसेट 46,868 करोड़ का। सो एसेट्स और मार्केट कैप के सामने जो कर्ज है वो चिंता का विषय है नहीं फिलहाल यहाँ पे। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स के पास पहले कितना था कंपेयर करेंगे, पहले कितना था अभी कितना था, फर्क जानने की कोशिश करेंगे। पहले 61.73 था, अभी भी उतना है। FIIs 18.27 था, अभी कम हुआ है 16.64। DIIs 9.73 था, अभी 13.42 हो गया है, बढ़त हुई है। पब्लिक 10.27, अभी 8.21 हो चुका है। सो प्रमोटर्स का कांस्टेंट है, FIIs का कम हो गया है, DIIs का इंटरेस्ट बढ़ा है, बट पब्लिक का जो इंटरेस्ट है यहाँ पे कम होते जा रहा है, आप क्लियरली देख सकते हैं। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो प्रमोटर्स के पास तगड़ा हिस्सा है उसे पता चलता है, प्रमोटर्स को स्टॉक के ऊपर काफ़ी कॉन्फिडेंस है, अपनी कंपनी की जो वर्किंग है उस पर बढ़िया भरोसा है। अब चार्ट पैटर्न्स पे जाएंगे, और जैसा मैंने ऑलरेडी कहा ये एक मल्टीबैगर स्टॉक है, सालों साल आपको बढ़िया रिटर्न देने के लिए ये स्टॉक बने। आप देखिए कैसे जो स्टॉक है एक ही तरह धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाता है। एंड अगर आपका लंबी अवधि का नज़रिया है तो सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप थोड़े थोड़े स्टॉक हर महीने बाय करते हो तो आने वाले समय में आपको अच्छा अमाउंट देखने मिल सकता है। अब स्टॉक जिस रेंज के आसपास काम कर रहा है वो है ये, दैट इज़ 214। पिछली बार स्टॉक यहाँ कब आया था, पिछली बार स्टॉक आया था यहाँ पे अगस्त 2018 में। सो हम कह सकते हैं एग्जैक्टली तकरीबन 3.5 साल का स्टॉक यहाँ ब्रेकआउट अटेम्प करने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर निकल भी चुका था, यहाँ पर आ गया था, ओके यहाँ पर आ भी गया था बट नीचे आ गया। एंड नीचे क्यों आया वो भी मैं बता दूँ, क्योंकि ये जो लेवल्स के पास इतने समय बाद स्टॉक आएगा तो यहाँ पर सप्लाई आएगी। सप्लाई क्यों आएगी, क्योंकि उस समय जिसने खरीदा है उसे तो नुकसान चाहिए नहीं, उसे भाव टू भाव निकलना है या छोटा मुनाफा लेके बस निकलना है, क्योंकि ऑलरेडी उसने अपने लगभग 3.5 साल वेस्ट कर दिए हैं, ऐसा उसे लगता है, ठीक है, तो वो निकलने की कोशिश करेगा। सो यहाँ पर ये जो लेवल्स है यहाँ पे हर लेवल पे सप्लाई देखने जरूर मिलेगी, शॉर्ट शॉर्ट मिलेगी। अब और डीप में जानने के लिए हम डेली बेसिस पे कन्वर्ट कर देंगे चार्ट को, और ये हो गया चार्ट पैटर्न डेली बेसिस पे कन्वर्ट। एंड जानने की कोशिश करते हैं लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है, और लेवल्स सामने आ गए हैं। एंड देखने मिल रहा है ये यहाँ पर हो गया बड़ा वाला ब्रेकआउट स्टॉक का इस लेवल के आसपास, एंड स्टॉक चला गया अलग रेंज में। स्टॉक आ गया कहाँ, स्टॉक आ गया यहाँ, और स्टॉक ने क्या किया यहाँ पे अपना काम करना शुरू किया। स्टॉक ने यहाँ पर लगा दिया एक कर्व, यहाँ पे कर्व ला के ऊपर चला गया। फिर और आगे जाएंगे तो देखने क्या मिलता है, स्टॉक जो है यहाँ पर एक चैनल में काम कर रहा था, जी हाँ एक चैनल में काम कर रहा था, यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा था, एक ही चैनल में काम कर रहा था, नीचे आ गया। फिर यहाँ पर नीचे आने के बाद क्या किया, नीचे आने के बाद स्टॉक ने एक नए ट्रेंड की शुरुआत की, और उसमें स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जा रहा था, बट फिर से यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई, स्टॉक आ गया नीचे। उसके बाद स्टॉक ने क्या किया, उसके बाद स्टॉक जो है एक ही रेंज में काम कर रहा था, यहाँ पे देख लीजिए इस एक रेंज में स्टॉक काम कर रहा था, ओके इस एक रेंज में काम करने के बाद स्टॉक ने फिर से क्या किया, स्टॉक ने फिर से एक नए ट्रेंड की शुरुआत की ऊपर की तरफ। बट पिछला सेशन जो था, पिछला सेशन यानी 30 अप्रैल स्टॉक का होगा ब्रेकडाउन, स्टॉक फिर से आ गया नीचे। अब जैसे वीडियो की शुरुआत में ऑलरेडी कहा है हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो लेवल्स पे आएंगे, लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस का लेवल सबसे पहले बता दो ये, क्योंकि इसका जो इंपॉर्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। स्टॉप लॉस 207,
याद रखिएगा 207 इसको निकाल देगा तो आपको पोजीशन से निकल जाना है। यूजुअली सब लोग स्टॉप लॉस हमेशा मेन लेवल्स बताने के बाद बात करते हैं, बट मैं पहले बताता हूँ क्योंकि मेन जो है हमें कैपिटल प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। सो स्टॉप लॉस 207। अब ऊपर की तरफ का लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है, और जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो है 220 220। उसका जो इंपॉर्टेंस है हमें देखने क्या मिल रहा है, थोड़ा सा लाइन पीछे कर लेंगे तो भी हमें क्लियरली देखने मिलेगा स्टॉक ने उस लेवल के आसपास स्ट्रगल कितनी की है। आप देख लीजिए पिछले दिनों यहाँ कोशिश कितनी जा पाया, फिर एक ही बार में ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर जब नीचे आया तो भी 220 के पास ऊपर जाने की कोशिश की, मतलब जो सिंगल चैनल में नीचे आ रहा था उसी के आसपास सपोर्ट लेके कोशिश की, नहीं क्लियर कर पाया, फिर से नया ट्रेंड शुरू किया उसके आसपास गया फेल हो गया। अब फिर से उसके ऊपर दो दिन निकला बट सहन मतलब पावर नहीं था उसके पास, सह नहीं पाया नीचे आ गया। सो 220 जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल, फिर से कहूँगा अगर आपको स्टॉक में ट्रेड करना है तो 220 का लेवल आप अपने ऐप में मतलब आपके जो ब्रोकर की ऐप है जिसे आप ट्रेड करते हो उसमें आप अलर्ट के तौर पर सेट कर दीजिए, फिर जैसे ही स्टॉक उसके ऊपर निकलेगा आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मदरसन सुमित 220 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब स्टॉक 220 के ऊपर निकलता है तो आने वाले दिनों में, जी हाँ आने वाले दिनों में स्टॉक किस रेंज में जा सकता हो, और वो है ये 230 से लेके 238 जो स्टॉक का पिछला हाई है, पिछले दिनों हाई लगाया था 238 का स्टॉक ने, इसके आसपास वहाँ पर जो है स्टॉक जा सकता है। एंड ये जो पोजीशन की हम बात कर रहे हैं दैट इज़ फॉर शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म का मतलब ये है तकरीबन 10 से 20 दिन के अंदर जो है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो स्टॉक अभी 214 रुपये के आसपास है तो वहाँ से लगभग 3 से 4% का रिस्क है, वेयर अगर अपसाइड की बात करें तो अपसाइड जो है लगभग अराउंड मेरे हिसाब से 10% के आसपास का अपसाइड है, जी हाँ लगभग 10 से भी ज़्यादा% का अपसाइड है, ओके। सो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी ये जो ऑप्शन है फेवरेबल है, ऑप्शन इन द सेंस मदरसन सुमी का ऑप्शन ट्रेड करने के लिए फेवरेबल है। सो अगर पोजीशन बनानी है तो सारे ही लेवल्स को नोट जरूर कीजिएगा। ये था कुछ बेसिक और सरल भाषा में एनालिसिस मदरसन सुमी सिस्टम्स के बारे में। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।